Hello and welcome to the mathematics classes, students. Myself Ashish Kumar Mishra, and I am teaching on the Unacademy Plus platform, and I am the ex-faculty of Adda 247, and I am having the total 7 year experience of the teaching, right? So today I am going to discuss about the class 12th relation and function exercise 1.2 intro part, right? समझ में आ रहे हैं students? ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 मिशन 2020, ठीक है, का इंट्रो पार्ट हम लोग देखेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो वहां पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पे रेलवे कैटेगरी में मैं मैथ पढ़ाता हूँ, वहां पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर अनअकैडमी के साथ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक कोड होता है जिसपे आप कोड को अप्लाई करके 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। SHIBGOVIND 1001-501, इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले और भी चीज से जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अगर बताना चाहेंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एके मिश्रा, इस नाम से एक फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उस फेसबुक पेज को इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं इनवाइट कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप उस पेज को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ अगर फेसबुक पे भी कनेक्ट होना चाहते तो आप आशीष कुमार .mishra.5817, इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कोड नहीं मतलब ये जो आईडी है मेरा, इस आईडी को जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, वहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा पे भी मेरा यही आईडी है, सेम आईडी है, फेसबुक और इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8603-21238, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा वो आपको 12 आवर्स के अंदर जो प्रॉब्लम जो होगा वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, लेकिन इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशन का टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स क्लास 11th में, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिलेशन कैसे हो। अब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो फंक्शन एफ सच डैट एक्स टेंड्स टू वाई, एक फंक्शन एफ जो है वो एक्स का वाई के साथ फंक्शन कब होता है, 1-1 होता है, जिसको हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स, एक्स का जितना भी एलिमेंट होगा उसका जो इमेज जो बनेगा वो आपका अलग अलग होगा। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स, 1-1। जैसे कि सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स जो है इसके बारे में बात किया जा रहा है, वाई इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी एलिमेंट है उसका, सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया गया एक्स का स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर और एक्स का वैल्यू जो होगा वो 2 से छोटा होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, या फिर 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप 1 और 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x का जितना भी एलिमेंट है उसका जो रिलेशन हो रहा है 1 का रिलेशन 1 के साथ और 2 का रिलेशन
फोर के साथ। तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है यही यहाँ पे लिखा गया है कि इफ द इमेज इज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जितना भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो इमेज होगा वो भी डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, राइट। जैसे कि एक्स वन और एक्स टू अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एक्स वन और एक्स टू अगर एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू जो होगा होगा कब होगा, जब आपका एक्स वन एक्स टू आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कभी भी यहाँ पे उसका फंक्शंस जो आपका रेंज होता है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अगर इक्वल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जाम्पल, आपके पास यही टर्म है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे दो सर्कल दे दिया, ठीक है, अब यहाँ पे वन और माइनस वन है, तो वन का भी स्क्वायर वन आएगा और माइनस वन का भी स्क्वायर वन आएगा। तो इस कंडीशन में आपको दोनों एलिमेंट्स का जो इमेज जो बन रहा है वो एक एलिमेंट के साथ बन रहा है, मतलब एक्स का दोनों एलिमेंट का इमेज वाई के एक एलिमेंट ही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेनी वन, मेनी वन मतलब एक्स का मेनी एलिमेंट या दो से अधिक एक से अधिक एलिमेंट का इमेज जो है वो वाई के सिंगल एलिमेंट के साथ बनता है, दैट इज कॉल्ड द मेनी वन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड जो है, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। ऑन टू क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो ऑन टू जो होगा ये आपका, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। तो सर्जेक्टिव अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है एक्स टेंड्स टू वाई, एक्स का रिलेशन वाई के साथ होते हुए अगर फंक्शन अगर डिनोट कर रहा है, तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि हमारे पास मतलब एक्स का जितना भी वाई का जितना भी एलिमेंट होगा वो एक्स के सारे एलिमेंट्स का क्या होगा वहां पे उसका इमेज होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि वन टू थ्री है और यहाँ पे फोर फाइव सिक्स और सेवन है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई का जितना भी एलिमेंट होगा वो एक्स का कोई ना कोई एलिमेंट का इमेज होगा। जैसे वन का फोर का वन हो गया, फाइव का टू हो गया एंड सिक्स का थ्री हो गया और सेवन का भी मान लीजिए सपोज थ्री है। तो इस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, डैट इज कॉल्ड ऑन टू, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसका कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए। इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्स का जो भी एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी न किसी वाई के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एक्स के एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स एंड सच डैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर आप एक्स का कोई भी वैल्यू अगर एक्स से रखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर वो आपका आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। दूसरा हम लोगों ने ऑन टू देख लिया, दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। अब लास्ट वन हम लोग देख रहे हैं, अ फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो यहाँ पे एक फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई है, ठीक है, एफ टेंड्स टू वाई है स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ ऑन वन एंड वन टू। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका ये बाइजेक्टिव या फिर कब होता है, जब कोई भी सेट आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो डैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। अब यहाँ पे वन वन कब होता है, जब एक्स के सारा एलिमेंट मतलब यहाँ पे पहला जो डोमेन इसको बोलते हैं, सेकंड वाले को हम लोग को डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और जो इमेज का जो सेट बनता है डैट इज कॉल्ड रेंज, वो मैं डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया वन टू थ्री फोर, दूसरा हो गया फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कब होता है, जब आपका वन वन भी है और
वॉन्ट टू भी है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, डैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ठीक है, तो वन वन कब होता है, जब एक्स का सारा एलिमेंट का इमेज जो है वाई में अवेलेबल होता है, ठीक है, और एक एक के या एक एक के साथ होगा। तो वन मतलब इसका एक एलिमेंट का इमेज इसके एक एलिमेंट के साथ होगा, डैट इज कॉल्ड वन वन। ऑन टू में क्या होता है कि उल्टा होता है, मतलब जितना भी वाई का एलिमेंट्स है वो सारा एक्स के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, वो एक इमेज होना चाहिए। तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो इसका कोई इमेज यहाँ पे, मतलब इस एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए, वन टू थ्री फोर हो गया हमारे पास, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, अब वन का फाइव के साथ है, टू का सिक्स के साथ है, थ्री का सेवन के साथ है, फोर का एट के साथ है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट क्या बच गया, नाइन जो है वो यहाँ पे बच गया, जिसका यहाँ पे प्री इमेज एक्स में नहीं बन रहा है। ठीक है, एक्स में कोई इमेज नहीं बच रहा है, बन रहा है। सो वी कैन से डैट, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो वन टू नहीं है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पे वाई का सारा एलिमेंट का सारा एलिमेंट जो है, वाई का सारा एलिमेंट जो है वो एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट का क्या है, वो इमेज है। सो यू कैन से डैट इट इज अ, यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, राइट, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि नाइन जो है, नाइन एक खाली बच गया जो किसी भी एक्स के एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। सो यू कैन से डैट इट इज नॉट ऑन टू, ये वन वन बिल्कुल है। और ये जो मैंने पहले वाला, ये जो फर्स्ट नंबर वाला एग्जांपल मैंने बताया, ये आपका वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। सो यू कैन से डैट इट इज अ बाइजेक्टिव, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, इसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी इंट्रो के साथ, ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। ठीक है, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन स्टूडेंट्स। एंड आई एम हैविंग द टू यूट्यूब चैनल, तो मेरे पास दो यूट्यूब चैनल है, जिसपे एक पे मैं एकेडमिक्स का मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय ए के मिश्रा, जिसमें 9 से 12 तक का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आपको रेलवे बैंक एसएससी कैट एनडीए का अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमारे एक और चैनल होता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आशीष मैथ्स, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे भी आपको क्लासेस रेगुलर मिल रहे हैं, रेलवे बैंक एसएससी एंड एनडीए सारे इस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए आपको मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप किसी भी टाइप का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आशीष मैथ्स एक और चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक द दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आपका शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है, अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, आशीष सर आपका क्लास जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कब आएगा, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस और साथ ही साथ आपका जो क्लासेस जो था वो अनअकैडमी पे पेड क्लासेस लेता था, लेकिन आप लोगों का इतना रिक्वायरमेंट था, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में अब जो हूँ रेगुलर मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ like this video and share this video and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming lectures. Bye bye, take care, best of luck, God bless you students.